दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी पटाखे बेचने और फोड़ने पर दिल्ली सरकार ने बैन लगाया। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। दिल्ली को जल्द मिलेगी ट्रैफिक जाम से मुक्ति, दिल्ली सरकार 77 कॉरिडोर को जल्द जाम मुक्त बनाएगी। दिल्ली दंगों की आरोपी सफूरा जरगर के समर्थन में जामिया यूनिवर्सिटी में हुई नारेबाजी, एडमिशन रद्द करने के खिलाफ सफूरा ने बीसी को लिखी चिट्ठी, CANRC के प्रोटेस्ट में शामिल थी सफूरा जरगर। राजस्थान के नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल का युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, लोगों को वीडियो बनाते देख युवक को लगाया गले, धक्का मुक्की करते दिखे सांसद हनुमान बेनीवाल। एमपी के रायसेन में ढोल ग्यारस पर समारोह का आयोजन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी ने तलवार और भाले से दिखाए करतब। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर शिंदे और उद्धव गुट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, 27 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही ठहराया गया। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शाम 5 बजे कन्याकुमारी से होगी शुरू, यात्रा से पहले राहुल गांधी ने श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री और पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, राहुल ने शांति पाठ किया। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर का तीसरा दिन, आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे। नीतीश के दिल्ली दौरे के बीच INLD ने 25 सितंबर को फतेहाबाद में विपक्ष की साझा रैली बुलाने का ऐलान किया लेकिन न्योते में कांग्रेस और केजरीवाल का नाम। नीतीश कुमार ने फिर कहा, मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं, सब साथ होते तो बड़ी बात होती। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नीतीश कुमार ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जाकर मुलायम सिंह यादव से की मुलाकात, इस दौरान अखिलेश यादव भी रहे मौजूद, इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले नीतीश। केंद्र सरकार की 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना पर अरविंद केजरीवाल ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, 10 लाख सरकारी स्कूलों को ठीक करने की अपील। एबीपी के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में केशव मौर्य को अखिलेश यादव का खुला ऑफर, कहा 100 विधायक तोड़े तो बना देंगे, सीएम मौर्य ने ठुकराया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह ने 2019 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिवसीय हरियाणा दौरा, हिसार में मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने PMCH का किया औचक निरीक्षण, रात 12 बजे अचानक पहुंचे अस्पताल, लापरवाही पर डॉक्टर की लगाई क्लास। कर्नाटक सरकार में मंत्री उमेश कट्टी का दिल का दौरा पड़ने से निधन, सीएम बोम्मई ने जताया शोक। पोषण आहार घोटाले में शिवराज सरकार ने दी सफाई, कहा विपक्ष के आरोप गलत, कमलनाथ की सरकार में पोषण आहार में गुणवत्ता से किया गया था समझौता, फिर भी सरकार आरोपों की जांच करेगी। उज्जैन में फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का हिंदूवादी संगठनों ने किया जोरदार विरोध, महाकाल मंदिर के बाहर हंगामा और मारपीट। पटना में डबल मर्डर, आगम कुआं शीतला मंदिर सड़क पर हुई वारदात, आपसी रंजिश में स्कूटी सवार 2 युवकों को बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में पारिवारिक विवाद के चलते हत्या, पति पर लगा पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला करने का आरोप, पत्नी की मौके पर मौत, बच्चा घायल। राजस्थान के बांसवाड़ा में महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। देश भर में इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, दिल्ली मुंबई बेंगलुरु जयपुर समेत देश के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग को लेकर रेड। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री मरे घटक के साथ ठिकानों पर CBI का छापा, कोलकाता के 3 और आसनसोल के 4 ठिकानों पर रेड, कोयला घोटाले के आरोप में CBI की रेड चल रही। राजस्थान के बारा में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर मारा छापा, 15 भट्टियां और
8000 लीटर शराब नष्ट की। मुख्यमंत्री मुख्तार अंसारी के करीबी अफरोज खान पर योगी सरकार का शिकंजा, पुलिस ने सोनभद्र 43 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। लखनऊ में एसपी के पूर्व विधायक सुभाष यादव के घर पर चला बुलडोजर, पुल निर्माण में बीच में आ रही थी जमीन, नेता का आरोप, बिना नोटिस की कार्रवाई की। दिल्ली में रेलवे में जॉब दिलवाने का नाम पर ठगी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश, दो मास्टरमाइंड समेत 4 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सतारा में एटीएम की लूट, जिलेटिन से ब्लास्ट करके लूटा एटीएम, पहले सीसीटीवी कैमरा पर स्प्रे मारा, पिछले 2 महीनों में सतारा जिले में दूसरी वारदात। एमपी के जबलपुर में बहुरूपी चोर की गिरफ्तारी, मकान मालिक की पिटाई का बदला लेने के लिए घर में की थी चोरी, चोरी का सामान बरामद। यूपी के संभल में युवक की बंधक बनाकर पिटाई, युवती से मिलने गया था युवक, पुलिस ने युवक को छुड़वाया, लड़की के घर वालों ने फिर बलात्कार, पीड़ित युवक के परिजनों से मारपीट का केस दर्ज करवाया। देर रात उन्नाव आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, एक युवक की मौत, 6 घायल, ट्रक को कंटेनर से ने पीछे से मारी टक्कर, उसके पीछे से आ रही कारें भी भिड़ी। पीलीभीत में एसएसबी कैंप से ड्यूटी पर तैनात जवान लापता, पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज, शारदा सागर डैम और आसपास के जंगल में भी सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के पीलीभीत में बाघ की दहशत में ग्रामीण, गांव में खुलेआम घूमते बाघ का वीडियो वायरल, हरदासपुर गांव में घूमता दिखा बाघ। हरिद्वार में टूटी सड़कों को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन, खराब सड़क पर हर रोज हो रहे हादसे, प्रशासन से की सड़कों को जल्द ठीक करने की मांग। हिमाचल में 50,000 से ज्यादा पशु लंपी वायरस से संक्रमित, 1,962 गौवंश की हुई मौत बीते 24 घंटों में, वायरस ने ली 145 पशुओं की जान। गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदियां में पानी के उतार चढ़ाव से बढ़ा खतरा, घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, दक्षिणी छोर पर 24 चौकियों में अलर्ट। बेंगलुरु में लोगों की और बढ़ सकती है परेशानी, मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की। बेंगलुरु में 32 सालों में सबसे ज्यादा बारिश, सीएम बोम्बई ने 300 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। असम के गुवाहाटी में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू, कई इलाकों में पानी भरने से मुसीबत बढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी में हरदी नदी में उफान, दर्जनों घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के कटिहार में कोसी गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ वाले हालात, कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व सीईओ रवि नारायण को ईडी ने किया गिरफ्तार, कर्मचारियों की फोन टैपिंग केस में कार्रवाई। आरबीआई ने 5 सहकारी बैंकों पर लगाया 15 लाख रुपए का जुर्माना, ग्राहकों के साथ लापरवाही बरतने के लिए लगा है जुर्माना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झांसी, तमिलनाडु के बैंक शामिल। आज लॉन्च होगा iPhone 14, कैलिफोर्निया में एप्पल के लॉन्चिंग इवेंट रात 10:30 बजे होगा। iPhone 14 रेंज में iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max शामिल। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।